जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना, आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी वीडियो देखिएगा, लास्ट में कमेंट्स में क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो हम लिखते हैं वही हमारी ज़िंदगी के अंदर होना शुरू हो जाता है। जिस तरीके से अफर्मेशन लिखते हैं वैसा ही हमारी ज़िंदगी के अंदर होना शुरू हो जाता है। तभी मैं आपको बोलती हूँ अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड रोज़ाना आपने लिखना है। जब हम अपनी अफर्मेशन या ग्रेटिट्यूड लिखते हैं वही चीज़ें जो हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर होनी शुरू हो जाती हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम जिस भी काम के अंदर जाएं उसके अंदर हमारे को सफलता मिले? बहुत लोग ऐसे हैं कि जाते हैं और उनका काम नहीं बनता है। आप किसी इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या बच्चे की शादी का रिश्ता है, या फिर कोई ऐसा जॉब को लेकर के आपको टेंशन है कि वो जॉब मेरे को मिलेगी या नहीं मिलेगी। बेशक आपने घर से ही अगर कोई काम करना है, आपने कंप्यूटर पर ही कोई काम करना है, तब भी आप ये काम कर सकते हैं। करना क्या है, आपने सुबह जब भी आपकी कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, वैसे तो घर से जब भी बाहर निकले तब भी हमारे को ये करना चाहिए, लेकिन जो ये स्पेशल है, आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और आप चाहते हैं कि ये काम आपका सफल हो, इसके अंदर आपको सफलता मिले, तो करना क्या है, आपने सबसे पहले आप नहा धो करके सूर्य को जल देना है, क्योंकि सूर्य को जल जब हम देते हैं तो हमारा फेम बढ़ता है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य डेबिलेटेड है या सूर्य अच्छे फल नहीं दे रहा है तो सूर्य साक्षात देवता है। सूर्य हमें सक्सेस देता है, हमारे को सफल करता है और हमारे काम की जो भी रुकावटें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि अंधेरे के बाद में जब उजाला होता है तो रोशनी के अंदर हमें सब चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए सूर्य को जल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सूर्य को हमेशा जल दीजिए। उसके बाद में आप अपने मंदिर के अंदर आए, मंदिर में बेशक आप तैयार हो गए हैं, मंदिर में खड़े होकर के आपने जोत जलानी है। जी हाँ, आपने जोत जलानी है, और जिस समय आप जोत जला रहे हैं उस समय एक सेकंड के लिए अपनी सांस को रोक करके जो आपकी मनोकामना है, जो आप बोल रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो आपने अपने मन के अंदर बोलनी है। उसके बाद में आपने वो जोत जलाई, जोत जलाने के बाद में आपने हाथ जोड़ करके ईश्वर से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, हे परम पिता परमात्मा, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ आप मेरे साथ में चलें और इस काम को सफल करें, इस काम को सक्सेस करें, मुझे पूरा विश्वास है। जब हम विश्वास के साथ में करते हैं तो हमारे को हमेशा सक्सेस मिलती है, हमेशा हमारे को सफलता मिलती है। उसके बाद में आपने घंटी बजानी है, आरती अगर टाइम है तो आरती ज़रूर करिए, मगर जो जलाई आपने प्रार्थना करी, उसके बाद में 7 टाइम आपने घंटी बजानी है, अपने सर के ऊपर घंटी लेकर के घंटी बजानी है, क्योंकि जब हम घंटी बजाते हैं तो उसकी जो वेग होती है, उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी जो तरंगे होती हैं, वो हमारे अंदर का जितना भी डर है, चिंता है, भय है, उसको वो ड्रेन करता है, उस एनर्जी को, जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है, जो हमारे ऑरा के अंदर होती है, वो क्लीन हो जाती है 7 टाइम करने के बाद में। उसके बाद में आपने थोड़ी सी सरसों लेनी है, पीली सरसों लेनी है, या आप काली सरसों भी ले सकते हैं, पीली सरसों भी ले सकते हैं। देखिए, जब भी हम सरसों लेते हैं हमेशा, बेशक वो अभिमंत्रित है, लेकिन आपको उसके अंदर अपनी इंटेंशन ज़रूर डालनी है। जब हम बिना इंटेंशन के कोई काम करते हैं तो वो फलित नहीं होता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। आपने लिया, उसके बाद में 7 बार आपने घंटी बजाई, 7 बार आपने एंटी क्लॉकवाइज जो भी, और अगर स्टक रह गई है हमारे काम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो 7 टाइम आपने सर के ऊपर से घुमा करके अपने बाहर निकलने के बाद में नॉर्थ दिशा के अंदर, सपोज़ नॉर्थ दिशा आपकी पीछे की तरफ है या इधर साइड में है, आपने उधर किस तरफ डाल दिया। उसके बाद में आप गाड़ी में हैं या कोई भी आपके पास कन्वेंस है, आप सीधा निकल जाइए। निकलने के बाद में आपने, जब आप निकल रहे हैं उस पीरियड के अंदर, एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके
कि मेरे साथ में एक एनर्जी चल रही है, मेरे साथ में एक पॉजिटिव एनर्जी चल रही है जो मेरे हर काम को करती चली जा रही है। तो ऐसे इंटेंशन डालेंगे, ऐसे भाव डालेंगे, तो यकीन मानिए आपके हर काम के अंदर आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात, जब आपको जो भी रिज़ल्ट मिले मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे मालूम है इस उपाय से आपको 200% फ़ायदा होगा। मगर पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ में करेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी फुल एंड फुल, मतलब आपकी इच्छा के अनुकूल आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा। आप कमेंट्स में क्या लिखना है, थैंक यू अद्भुत लाइफ के लिए, थैंक यू इनक्रेडिबल लाइफ, थैंक यू इनक्रेडिबल, माई लाइफ इज़ इनक्रेडिबल, थैंक यू प्रभु, थैंक यू जिस भी ईश्वर को मानते हैं, या जय श्री राम, इनक्रेडिबल लाइफ, मेरी लाइफ अद्भुत है, मेरी लाइफ अद्भुत है। तो जो आप लिखेंगे वैसे ही आपकी लाइफ के अंदर होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही आपकी लाइफ अद्भुत होने शुरू हो जाएगी, हर जगह आपको सफलता मिलने शुरू हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करें, जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी सामने वाले का प्यार आपको प्राप्त होगा, और समाज के लिए, सोसाइटी के लिए ज़रूर अच्छा एक काम करिए, एक अच्छा काम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। जय श्री राम।